हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट। तो तैयार हो जाइए, हम पढ़ेंगे 0 से हीरो तक। ठीक है, 0 से हीरो तक पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेट के बारे में। यदि आपको सेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बस बने रहिए, आपको बेसिक से बताएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेट। तो सबसे पहले बताते हैं कि इस सेट के पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका यूज कहाँ है, कौन लाया सेट को, बहुत सारे सवाल होंगे। तो कुछ नया पढ़ने को आपको मिल रहा है, 10th के बाद आपने नया नया सेट देख रहा है कि सेट क्या है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अच्छे से समझना है। सेट क्या है आपको बता दें, सेट आपको पता होगा, जैसे कि कोई बोलता है कि एक सेट, एक लिंग ग्लेशियर का सेट ले ले आना, तो उसमें 3 पेन होता है। सेट मीन्स कलेक्शन होता है। कोई बोलता है एक मार्कर का सेट लेकर आना, तो उस मार्कर के सेट में हो सकता है 10 मार्कर एक साथ पैक्ड हो, कलेक्शन हो 10 मार्कर का, तो सेट बोलते हैं। तो सेट का मतलब समूह होता है, सेट का मतलब कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सेट का डिफिनेशन जो दिया, सेट के बारे में पूरा जो भी डेफिनेशन दिए वो किनको जाता है, तो हमारे मैथमेटिशियन जॉर्ज सेंटनर को जाता है, जो 1845 से 1918 तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। ये हमारे मैथमेटिशियन है और इन्हीं को जाता है, इन्होंने ही सेट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये तो हमारा हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन हो गया सेट के बारे में। सेट का यूज क्या है तो आपको बता दें, सेट आपको लगेगा कि पढ़ने के क्यों पढ़ रहे हैं हम सेट, क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा बहुत सारा है इसका, आगे के चैप्टर में भी बहुत सारे सवाल आपसे हिलने लगेंगे यदि आपने सेट का कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ा है। नहीं तो सेट अगर नहीं पढ़ा तो बहुत सारे सवाल में प्रॉब्लम आ सकता है किसी भी चैप्टर से। तो इसका जो यूज होता है, यह मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच में इसका यूज है, यूजेज इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच में इसका यूज है, और मेनली इन फाउंडेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के फाउंडेशन या रिलेशन चैप्टर जो पढ़ेंगे, चैप्टर जो भी पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज है बहुत सारा सेट का। तो रिलेशन चैप्टर सेट के बाद का चैप्टर है हमारा रिलेशन और फंक्शन, तो उसमें भी सेट का बहुत सारा यूज है। ठीक है, और इसका डिफाइन क्या होता है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। समझिएगा, डीपली समझिएगा, सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं है। कैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो इसमें हम आपको एग्जांपल्स लेके समझाते हैं, जैसे कि देखिए, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड थिंग्स है। क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड हो गया, ये हमको पता है। सेट ऑफ पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के पास्ट प्राइम मिनिस्टर जितने थे उनका तो कुछ वेल डिफाइंड, वो भी जो थिंग्स है वो भी क्या होगा, वेल डिफाइंड है। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पास्ट में तो पता है एग्जैक्ट कितने थे। और सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 से नीचे जितने भी ऑड नंबर है उनका सेट, तो ये तो पता होगा कौन कौन 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये हमारे वेल डिफाइंड थिंग्स हो गया। फिर से सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो हमारा वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि 29 स्टेट्स, पहले 28 29, ठीक है, अब तो कभी कभी बढ़ते रहता है। ठीक है, वैसे 27 से 28 हुआ, 28 से 29 हुआ, तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो क्या है, एक सेट है, पूरा कलेक्शन है। अगर सभी सेट का नाम लिख दें, सभी स्टेट का नाम लिख दें, तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेट कौन है कौन नहीं है, तो ये तो आगे तो बता रहे हैं सेट कौन है, आगे हम बताएंगे कि कौन सेट नहीं है।
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट कौन कौन, तो आपको लग रहा होगा नेचुरल नंबर तो पता नहीं है कितना है, तो इनफाइनाइट तक जाता है। तो आखिर इसमें वेल डिफाइंड टर्म है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड टर्म इसलिए है क्योंकि नेचुरल नंबर बोलते किसको हैं कि वन से स्टार्ट होने वाला नंबर, कोई भी नंबर हो वन से जो स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो एक वेल डिफाइंड टर्म है, वेल डिफाइंड टर्म है नेचुरल नंबर, जिसका सेट 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ये हमारा सेट हो गया इनफाइनाइट तक। आखिर कहीं तक जाके एक सेट बनेगा नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन स्पेस। स्पेस में जितने भी स्टार हैं उन सभी का कलेक्शन क्या है, एक सेट ही तो है। ऐसा लग रहा होगा कि इनफाइनाइट स्टार है, वो कैसे सेट हो सकता है, किसी को एग्जैक्ट नंबर तक पता नहीं है कि कितना स्टार है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सेट है, वेल डिफाइंड टर्म है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, उसी को सेट बोलते हैं। तो स्पेस में जितने भी स्टार हैं, कुछ तो आप गूगल कर सकते हैं कि हाउ मेनी स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, आपको वैल्यू पता मिलेगा, साइंटिस्ट लोग एग्जैक्ट पता लगाए हैं कि कितने हैं, उससे ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी स्टार्स हैं वो भी क्या है, हमारे एक सेट है। तो भाई सेट तो बता दिए कि कौन है, लेकिन आपको यदि बताएं कि हम पूछते हैं आपसे कि बताइए कि सेट ऑफ गुड टीचर, सेट ऑफ गुड टीचर ऑफ योर ऑल गुड टीचर ऑफ अवर स्कूल, आपके स्कूल के जितने भी गुड टीचर हैं उनका एक सेट बनाइए, कलेक्शन बनाइए। तो आप क्या लिखेंगे, आपसे आप कुछ लिखेंगे, कोई दूसरा स्टूडेंट कुछ दूसरा लिखेगा, अलग अलग स्टूडेंट का नज़रिया अलग अलग होगा और अलग अलग नज़रिए से गुड टीचर का सेट अलग अलग बनेगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड वाला टर्म तो यहाँ पे वैलिड नहीं कर रहा है, क्योंकि गुड टीचर, द सेट ऑफ गुड टीचर ऑफ आवर स्कूल इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो गुड टीचर जो है हमारा सेट नहीं हो सकता है, लेकिन स्कूल के ऑल टीचर के हम बोले कि सेट ऑफ ऑल टीचर, तो ऑल टीचर का अगर नाम लिख दें तो वो एक सेट हो सकता है, लेकिन यदि हम बोले गुड टीचर तो एक सेट नहीं है। इसी तरह से हम बोले कि डेंजरस एनिमल, सेट ऑफ डेंजरस एनिमल का एक सेट बनाओ। तो भाई डेंजरस एनिमल का सेट बनाएंगे तो कितना का नाम लिखेंगे डेंजरस एनिमल का, हर के नज़रिए से डेंजरस एनिमल अलग होता है। यदि आप डॉग को पालते होंगे तो आपको लगता होगा कि डॉग डेंजरस एनिमल नहीं है, लेकिन जिसको डॉग काटा होगा उसको तो लगेगा कि डॉग एक डेंजरस एनिमल है। हम लोग लायन से डरते हैं, शेर से डरते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग के लिए वो डेंजरस एनिमल है, लेकिन जो उसका केयर टेकर होता है, तो जो उसको अपने कंट्रोल में रखता है, वो सोचता क्या होगा कि ये तो डेंजरस नहीं है, हमको कुछ नहीं करता है। तो हर के नज़रिए से अलग अलग डेंजरस एनिमल हो सकता है। तो डेंजरस एनिमल जो सेट ऑफ डेंजरस एनिमल एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड टर्म नहीं है डेंजरस एनिमल। इसी वजह से द सेट ऑफ डेंजरस एनिमल क्या हो सकता है, यह सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेके यदि आपको दिखाएं, सेट ऑफ मंथ विच हैज 30 डेज, ऐसे महीना का नाम जिसमें 30 दिन होता है। तो यह तो क्या, तो साल में 12 महीने होते हैं, इसमें से उन महीनों का कलेक्शन लिखना है जिसमें 30 दिन होता है। तो ये तो एक ये हमारा वेल डिफाइंड टर्म हो गया। तो ये तो लिख सकते हैं कि इसमें जनवरी नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च तो होगा, अप्रैल होगा, मार्च जनवरी नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, 31, 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो होगा, जून होगा, जिसमें 30 होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या कि कौन सेट होता है कौन सेट नहीं होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं एक और, इससे शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो। एक सेट बताइए, गुड टीचर तो हो गया, गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया,
इंडिया के गुड क्रिकेटर का सेट। तो भाई यदि आपका फेवरेट विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, तो उन सब का लिस्ट में नाम डालेंगे। और अपने दादाजी से इसका लिस्ट बनवाइए, गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, सचिन, सहवाग, गौतम गंभीर, रवि शास्त्री, वो सबको लेंगे, ठीक है। तो आपके दादाजी के अनुसार कोई और होगा, आपके अनुसार कोई और होगा, और कोई आपके दोस्त के अनुसार कोई और हो सकता है। तो एक गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया कोई सेट नहीं होगा, ठीक है। यदि गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया जितने भी हैं उनका हम सेट बनाए तो सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किसका सेट पॉसिबल है? हाँ, वैसे क्रिकेटर जो टेस्ट में 99 पे आउट हुए हैं। कितने पे आउट हुए हैं? 99 पे आउट हुए हैं। तो ये हमारा एक सेट हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ही क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका नाम लिखना पॉसिबल है, नाम लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड टर्म हो गया। टेस्ट मैच में 99 पे आउट होने वाले क्रिकेटर का सेट, एक हमारा क्या है, सेट है। गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया सेट नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो सेट का बेसिक अच्छे से पकड़ना है कि बेसिक्स क्या है, ठीक है। मैड गर्ल, सेट ऑफ मैड गर्ल, सेट ऑफ मैड गर्ल ऑफ योर विलेज या सिटी, अपने शहर के जितने भी मैड गर्ल हैं उनका सेट बनाओ। तो भाई सबके नजरिए से मैड गर्ल जो है, ये टर्म सबके नजरिए से अलग अलग हो सकता है। किसी को ए मैड लगेगी तो किसी को वो मैड, किसी को वो मैड है, किसी के लिए वो मैड है, किसी के लिए वो मैड नहीं है। तो क्या है, तो ऐसा 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 जो टर्म आएगा ना, ऐसा जो टर्म आएगा जो वेल डिफाइंड नहीं लगेगा, उसका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अब ज़्यादा इसमें डीप एग्जांपल में नहीं चलते हैं, आपको बता चुके कि सेट क्या है, बस ये समझिए कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम बोले कि इंडिया का राइटर्स नाम, राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी लेखक हैं उनका एक सेट बनाओ, तो ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। कितने लेखक हैं, कितने लेखक हैं, तो यह एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। कैसे बताएंगे कि कितने लेखक हैं? तो जैसे कि देखिए, कोई लेखक जो राइटर्स है, इंडिया के जितने भी राइटर्स हैं, ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। लेकिन हम वो बोलें कि जो वैसे राइटर्स जो हिंदी साहित्य के राइटर्स हैं उनका नाम लिखिए, तो उनका नाम लिखना पॉसिबल है, क्योंकि वो कुछ ही राइटर्स हैं जो हिंदी साहित्य लिखते हैं वैसे फेमस। तो ऐसे आप टर्म समझिए, ठीक है। आगे हम लेके चलते हैं सेट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स। देखिए, तो एक और बात कि जो सेट हमारा होता है वो लिखा कैसे जाता है, ये भी बात है। तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्स वाई जेड, कुछ भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि अब कितना मत घुमाइए, कुछ सेट लिख कर दिखाइए। तो हम आपको सेट लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, Write the set of all vowel in word mathematics. In word mathematics. तो mathematics word में जितने भी vowel हैं उनका set लिखिए। तो set लिखने का तरीका ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी लिखना है पहले आप लिख लीजिए। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो सेट लिखना है तो हम ए लिख लेते हैं, आपका मन है बी तो बी लिखे, किसी का मन सी, सी लिखता है, कुछ भी लिखे, ए लिख लिए। ए लिखने के बाद क्या करते हैं, ए लिख लिए, बराबर का सिंबल नहीं देना है, इक्विवेलेंट का सिंबल नहीं देना है,
क्या करना है यहाँ पे, ऐसे आप एक सेकेंड आगे लिख लेते हैं कौन कौन आता है। मैथमेटिक्स MATHE, MATICS, मैथमेटिक्स ठीक है। क्या है वर्ड? मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में हमारा जो आ जाएगा कौन कौन भवेल है, ए भवेल है, फिर से भवेल ए है और कौन है, ई है, ए है, ई है और ए है, फिर से ए आई है, MATHE, MATICS। तो ये हमारा मैथमेटिक्स वर्ड है, तो इसमें वॉवेल का सेट लिखना है। तो हम बोले ए बी सी सेट लिखना है, तो सेट ए कर लेते हैं, ए इक्वल टू इक्विवेलेंट का साइन देंगे, मतलब इक्विवेलेंट का साइन देने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगाना है, पहले ही ब्रैकेट नहीं लगा देना है, पहले ए लिखेंगे सेट ए और फिर ऐसे ब्रैकेट और भवेल लिखना है ना, ऑल भवेल इन मैथमेटिक्स। तो भवेल तो आ गया ए, फिर से आ गया ई, फिर से आ गया ए, फिर से आ गया आई। तो ये हमारा सेट हो गया किसका, ऑल भवेल्स का। तो ये हमारा क्या हो गया कि ए आई, तो ये हमारा क्या हो गया, ए सेट लिखा हुआ है। क्या है, एक सेट लिखा हुआ है। हम बोले कि 10 से नीचे जितने भी ऑड नंबर है उनका सेट लिखिए, तो 10 से नीचे जितने भी ऑड नंबर है उनका सेट लिखना है, तो सेट ए लिख लीजिए, ए बी सी कुछ भी, अब ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए और लिख लीजिए 10 से नीचे जितने भी ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारा सेट हो गया। ये भी क्या है, हमारा एक सेट लिखा हुआ है। तो सेट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे कि सेट को कैसे लिखा जाता है। इसमें तो आपको बस यही ध्यान देना है कि सेट को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हम एक लिखते हैं, यहाँ पे हम सेट लेते हैं, किसका सेट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, 10 से नीचे जितने भी इवन नंबर है उनका सेट लिखिए। तो सेट लिखने के लिए कोई भी ए बी सी डी का कोई भी लेटर लिख लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए और क्वेश्चन के हिसाब से लिख दीजिए जो जो आता है। 10 के नीचे कौन कौन आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, यही आ जाएगा। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, तो सेट के अंदर ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा सेट है, ये हमारा पूरा क्या है, सेट है। सेट के अंदर जो जो भी ये सब टर्म आते हैं इन सब को बोलते हैं एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको बोलेंगे सेट ए का ये क्या है, एलिमेंट बोलते हैं। जो भी सेट के अंदर आते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं, सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। और एक और तरीका है जो समझना होगा, जैसे कि 2 इसके अंदर आता है तो लिखेंगे 2 belongs to set A, इसको पढ़ते हैं 2 belongs to set A, 2 belongs to set A। 4 इस सेट के अंदर 4 है कि नहीं है, तो उसको भी बोलेंगे 4 belongs to set A। लेकिन इस सेट के अंदर 3 है कि नहीं, 3 नहीं है, तो बोलेंगे 3 does not belongs to set A। ऐसे belongs to set A, not belongs to set A, ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन इसके बिलोंग्स करता है, कौन इसके बिलोंग्स नहीं करता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स जो भी बीच वाला टर्म होता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि सेट के बीच में जो भी एलिमेंट ए वाला आ जाता है टर्म, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपको हम लेके, एक एक अपने से लिखिए, उन सारे एलिमेंट्स लिखिए, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं। राइट द एलिमेंट ऑफ, राइट द एलिमेंट ऑफ सेट सेट ए इज इक्वल टू 9, 3, 4, 8, 7, ए बी एक्स वाई, इन सारे का जो जो भी इसमें जो जो भी एलिमेंट है उनका एलिमेंट का नाम लिखिए, जो जो भी एलिमेंट है।
है, ठीक है। तो इसका एलिमेंट जो जो है कौन कौन है, ये सारा हमारा एलिमेंट है, तो इसका सारा का सारा नाम लिख देंगे। तो ये हमारा था सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे के चैप्टर, आगे के टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था जो सेट का बेसिक आइडिया देना, ठीक है। आगे की क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फिर टाइप्स ऑफ सेट पे चर्चा करेंगे। और यदि कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और दूसरों को सिखाइए, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।